ज़ुबैर साहब हमसे सवाल कर रहे हैं कि क्या ये रिवायत ठीक है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक दफ़ा नमाज असर निकल गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की तो सूरज वापस लौटाया और आपने नमाज़ पढ़ी। मैं समझा देता हूँ ज़ुबैर साहब, ये हदीस बिल्कुल ठीक नहीं है बल्कि ये झूठ पर मबनी रिवायत है और इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। ज़हन में रख लीजिएगा, नंबर एक, अल्लाह की कुदरत पर एक मुसलमान को शक नहीं है। जहाँ तक अल्लाह की कुदरत की बात है तो इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन क़दीर। क्या अल्लाह ऐसा कर सकता है कि सूरज को पलटा दे? बिल्कुल जी, ये पूरी कायनात जिस तरीक़ाकार पर चल रही है ये अल्लाह का बनाया निज़ाम है, लेकिन अल्लाह ख़ुद इस निज़ाम का पाबंद नहीं है। तो अल्लाह ताला जो भी इस कानून के अंदर तब्दीली करना चाहे वो उसकी कुदरत है। एक मुसलमान अल्लाह की कुदरत को कभी चैलेंज नहीं करता। मसला सिर्फ ये है कि जब कोई बात अल्लाह ताला के नाम से, उसके रसूल पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक मुकद्दस नाम से आती है तो उसको चेक करना पड़ता है वो सच है या झूठ है। अल्लाह का कलाम है कुरान पाक, ये हमारे पास इस अंदाज के अंदर मौजूद है कि इसमें रत्ती बराबर भी शक नहीं है कि इसमें कोई तहरीफ हुई है या तब्दीली हुई है। लेकिन जहाँ तक रिवायात का ताल्लुक आता है, चूँकि ये बाद में जमा हुई हैं, इसके अंदर बहुत से लोगों ने मिलावट की, झूठ बांधा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से ये एक रिवायत बयान की जाती है, ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम लेकर भी बहुत से गलत और झूठे मौजज़ात बनाए गए। जैसे आपने वो एक बड़ा मशहूर वाक़या सुना होगा हिरनी वाला, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले जा रहे थे, एक हिरनी थी, उसको भेजा गया, बच्चों को दूध पिला के वापस आई तो हिरनी ने बात, यह आपने वाक़या सुना, हालाँकि झूठा वाक़या है। तो वाक़या किसी की भी नस्बत झूठ हो सकता है, लोगों ने बनाई बातें हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्बत भी, अल्लाह की नस्बत भी, इसी तरह सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के हवाले से भी, और किसी की भी फजीलत साबित करने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। ये जितनी भी रिवायात हैं इनमें से एक भी रिवायत ऐसी नहीं है जिसकी सनद भी ठीक हो या जिसका मतन भी ठीक हो। सनद और मतन दोनों पर उलमा इतराज़ करके गए हैं, इसलिए इमाम बुखारी इस रिवायत को कबूल नहीं करके गए, इमाम मुस्लिम कबूल नहीं करके गए, मुतकद्दिमीन में से एक भी मुहद्दिस कबूल नहीं करके गए, मुहद्दिस इब्ने जौज़ी इसको मौजू कह के झूठी रिवायत कह के गए, 50 और मुहद्दिसीन, शेख इब्ने तैमिया साहब भी इसको मौजू करार दे के गए, इसलिए कि इसमें कोई भी ऐसी सनद नहीं है इनफरादी हैसियत में जो ठीक हो, मजहूल रावियों पर मुश्तमिल है और हर रावी इसका, हर सनद इसकी जो है ना इसके रावियों के अंदर रावजी मिलते हैं। और नंबर दो, ये जितनी भी सनदें हैं पीछे जा कर के एक ही शख्स से मुतालिक हो जाती हैं जो मजहूल है, जिसका पता ही नहीं कौन है। इसकी आसान सी बात समझें, जैसे मेरे सामने 50 लोग हैं और मैं उन 50ों को एक बात बोलूं, अब वो 50 आगे बात कर रहे हैं तो आपको बज़ाहिर लग रहा होगा ये 50 लोगों से अलग अलग बातें आ रही हैं, लेकिन जिस वक्त आप उस 50 से पीछे आएंगे तो मैं एक ही बात, एक ही शख्स मिलूँगा। यानी मेरी अकेले की बात थी जो मैंने मजमे में की, फिर मजमा आगे बयान करने लग गया। अब मेरे बारे में जब तहकीक की तो पता ही नहीं चला बंदा कौन है, मजहूल बंदा है, वो ठीक है झूठा था, कौन बंदा है कौन नहीं है कुछ पता नहीं। अब ऐसी कच्ची बातों की बुनियाद के ऊपर हम एक बात अल्लाह की निस्बत से, उसके नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक निस्बत से नहीं कर सकते हैं। हमें एहतियात करनी चाहिए और किसी भी शख्स की, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम हो, सहाबा किराम हो, इनकी फ़ज़ाइल में जो कुरान मौजूद है उससे बढ़कर फजीलत कोई भी नहीं है, ये ज़हन में रख लीजिएगा। दूसरी बात, इसके मतन में ऐसा इतराज़ आता है कि आप रिवायत पढ़ के तो देखें, इब्ने कसीर सारे तुर्क जमा करके गए हैं, आप एक नज़र पढ़िएगा, रिवायत के अल्फाज ये हैं कि सूरज जिस वक्त गुरूब हो गया उसके बाद जिस वक्त सूरज निकला था तो वो सूरज ऐसा नहीं कि थोड़ा सा किनारा निकल आया और नमाज असर पढ़ ली, बल्कि वो सूरज निकल के बिल्कुल वो एक निसफ़ नहार की कैफियत में आ गया था, जो असर का इब्तदाई वक्त होता है। अगर तो इस बात को ठीक मान लिया जाए, एक अकल कहती है पूरी दुनिया में खलबली मच जानी चाहिए थी, वो पूरी दुनिया के अंदर जाहिर है जहाँ दिन था वहाँ दोबारा रात हो गई होगी और जहाँ रात थी वहाँ दोबारा दिन हो गया होगा, पूरी दुनिया और पूरा निज़ाम एक हैरत ज़दा हो जाना चाहिए था। और हालांकि इस पर कोई गवाही नहीं मिलती, सहाबा इकराम के सदर अव्वल की कोई गवाही नहीं मिलती, हम कह रहे हैं कि सदर अव्वल से ही कोई शवाहिदात मिल रहे हों, ऐसी कच्ची बुनियादों के ऊपर किसी चीज़ की निस्बत अल्लाह की तरफ, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ या सहाबा इकराम की तरफ, बल्कि ये तो मुबारक हस्ती हैं, हम किसी एक आम इंसान की तरफ भी निस्बत करके कच्ची बात नहीं कर सकते। भाई आप एक किसी कमरे में बैठे हों और आपको एक शख्स मिल जाए और वो शख्स बोले कि मेरा नाम लेकर के, यार ये मौलाना कामरान साहब से मैंने ये सुना है यार, बड़ा ये अजीबो गरीब बंदा है, आप उसे चंद सवालात कर लें कि यार मौलाना कामरान साहब से आप कभी मिले हैं? वो बोले नहीं मैं तो नहीं मिला। अच्छा आपने उनके बयानात सुने? नहीं मैंने बयानात भी नहीं सुने। तो आपको ये बात कहाँ से पता चली? यार हमारे मोहल्ले में था एक बंदा, उसने मुझे बताई। इतनी सी बात पे आप भी डाउट करेंगे कि यार ये क्या बात कर रहा है, सुनी सुनाई बातें आगे कोट करी जा रहा है, ना खुद इसने सुना, ना उसने खुद पढ़ा, ना ये जानता है, ना मुलाकात की है, उठ करके एक बात कर रहा है। तो हम एक आम इंसान की नस्बत भी ऐसी बातें नहीं कर सकते, चाहे वो फजीलत की हो चाहे वो ऐब की बातें हो। ये मुबारक हस्तियाँ हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्बत कोई भी बात की जाए उसकी अच्छी तरह तहकीक की जाए, इसमें यह एतराज़ नहीं आता कि भाई अल्लाह की कुदरत को चैलेंज, अल्लाह की कुदरत को चैलेंज नहीं कोई करता, मुसलमान कर भी नहीं सकता। अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई, इसको तबाह भी करना है अल्लाह ने क़यामत, जब यहाँ पर मुसलमान ईमान लेकर आ गया, बाकी तो छोटी छोटी चीज़ें कि भाई ये सूरज हो गया वापस पलट आया या सूरज वापस ना पलटे, छोटी छोटी चीज़ें। अल्लाह की कुदरत पर एक मोमिन का ईमान होता है,
लेकिन वो एहतियात करता है जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत या सहाबा किराम की निस्बत किसी भी तरह की कोई बात की जाए। इसके अलावा भी इसके मतन पर बहुत से एतराज़ात हैं कि इस्तिराबात इसके मतन के अंदर इतने हैं। और तीसरी बात यह है कि अगर तो असर की नमाज की अदायगी के लिए सूरज को वापस किया जाए तो बहुत बड़ा एतराज़ लाजिम आता है कि असर का वक्त तो फिर भी चला गया था, यानी मुझे जो अल्लाह ने वक्त बांधा है, वक्त बांध के रखा है वो है ज़ोर से लेके असर तक। असर का वक्त जब गुजर गया मेरी तो नमाज कज़ा हो गई, अब सूरज वापस पलटे या ना पलटे मैंने तो वक्त गुजार लिया। तो ये हमारे जो मुकर्रा दीनी उसूल है उसके खिलाफ भी इसका मतन जा रहा था। इसके अलावा हमारे दीन में एक मुसलमा उसूल है, वो भी जहन में रखिएगा कि एक इंसान की किसी उज़र की बुनियाद पर जब नमाज चली जाए, वक्त निकल जाए, वो उज़र ख़त्म हो, अब वो वक्त गुजरे इसके बाद भी नमाज पढ़ लेगा ना, वो अदा नमाज कहलाती है, वो कज़ा नमाज नहीं कहलाती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स है वो सो गया और उसकी आँख नहीं खुली, जैसे ही आँख खुली तो देखा वक्त निकल गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि इंसान का इख्तियार नहीं है नींद पर, या बाज़ उज़र ऐसे इस पर इख्तियार नहीं होता, जब ऐसा उज़र ख़त्म हो जाए आप उसी वक्त उठ के नमाज पढ़ लेंगे, वो आपकी अदा नमाज कहलाएगी, वो कज़ा नमाज नहीं कहलाएगी। अगर नमाज का ताल्लुक था तो असर का वक्त गुजरने के बाद भी पढ़ी जाती, वो अदा ही नमाज होती, वो कज़ा नमाज नहीं होती। ये हमारे दीन के उसूलों से भी मुतारिज़ बात चलती आ रही है। जैसे देखेंगे ग़ज़वा खंदक हुआ, ग़ज़वा खंदक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी नमाज छूट गई असर की, और सहाबा किराम की भी असर की नमाज चली गई, चूँकि जंग में एक इश्तेगाल था। अब जाहिर है लड़ते लड़ते मैं छोड़ के अल्लाह अकबर तकबीर लगाऊंगा, वो तो मुझे मार देगा, वो तो इंतज़ार नहीं करेगा। इस उज़र की बुनियाद पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी नमाज अदा ना फरमाई, सहाबा ने भी ना अदा की। जब नमाज का वक्त गुजर गया उसके बाद अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाया और नमाज पढ़ी। ये कज़ा नहीं थी, अदा ही थी। उज़र की बुनियाद पर जब वक्त निकल जाता है तो उस वक्त नमाज अदा पढ़ते हैं, वो अदा नमाज कहलाती है, कज़ा नमाज नहीं कहलाती। तो इसका मतन एक वुकूए के ख़िलाफ़ भी था, मुशाहदे के ख़िलाफ़ भी था, इसके अलावा हमारे मुकर्रर करदा दीनी उसूलों के ख़िलाफ़ भी था। इस वजह से मौक़िकीन उलमा ने इसके मतन को भी कबूल नहीं किया, सनद को भी कबूल नहीं किया है। बाज़ मुताख़िरीन की मिसालें देते हैं कि भाई अलामा हैसमी ने इसकी सनद को हसन करार दिया, बिल्कुल दिया, वो सनद को हसन करार दिया है। सर जी बताएं मतन के अंदर एतराज़ात कौन दूर करके गया, क्या मतन देखना काफ़ी नहीं होता, या आपका भी वही मानना चाहिए कि बस सनद ठीक है तो आगे की बात 100% अल्लाह की और उसके रसूल पाक अलैहिस्सलाम की है, फिर जो कुफ्रियात आए हुए सही सनद के अंदर उसका क्या बनेगा। सनद पहला स्टेप होता है। अगर बाज़ अहले इल्म कह के भी गए हैं कि यार इसकी सनद कसरत तुर्क की बुनियाद पर ज़ईफ़ प्लस ज़ईफ़ प्लस ज़ईफ़ प्लस ज़ईफ़ करके चलो हसन बना लो, तो वो सिर्फ सनद को हसन का है, मतन को किसने कहा कि एग्जैक्टली ऐसा हुआ है, किसी भी आलिम की तस्री नहीं मिलती है। इसलिए अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए, समझने की तौफीक दे। नंबर दो, हमारे यहाँ एक और बड़ा एक माइंड सेट है लोगों का, या चूँकि इसमें हज़रत अली की फजीलत आ गई है ना, इसलिए ये जो लोग कबूल ही नहीं करते हैं, ये नासबी लोग हैं। ठीक है जी, जो मर्ज़ी कहते रहे, सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्बत भी 50 बातें कबूल नहीं की जाती, इसलिए कि उसकी भी सनद में मसला होता है, उसके भी मतन में मसला होता है। अल्लाह की नस्बत भी 1000 बातें कबूल नहीं की जाती, इसलिए कि उसकी सनद में मसला होता है, इसलिए कि उसके मतन में मसला होता है। एक ही पैमाना है, इस पैमाने में हर एक को तोला जाएगा। और जिस वक्त फितने हुए थे मुसलमानों के अंदर रिवायात की राह में, हदीसों की राह के अंदर, नासबी फितना और राफदी फितना, यही सबसे बड़े फितने थे जिन्होंने गंद डाला था। नासबियों ने अपने मतलब की हदीसें बयान करना शुरू कर दी, जिसमें हज़रत अली की कसरे शान, हज़रत अली पर तोहमतें, उन पर इल्ज़ाम, सब सही सनद से भरा हुआ है। इसके मुकाबले में राफजी तबका था, वो फ़ज़ाइल की हदीसें झूठी बनाना शुरू कर, ये दो तबके ही हैं। इसलिए किसी भी रिवायत की सनद में नासबी मिलता है या राफजी मिलता है, कान खड़े हो जाते हैं, इसलिए कि वहाँ कोई ना कोई गड़बड़ उमूमा निकल रही होती, नहीं भी होती गड़बड़, लेकिन होती है और अक्सर औकात गड़बड़ होती है। लिहाजा ये जितनी भी सूरज वापस आने की रिवायतें, इसमें से एक भी रिवायत ऐसी नहीं है जिसमें राफजी रावी ना हो। अब क्या करेंगे आप, यानी कि इनके अलावा कोई दुनिया में किसी को पता ही नहीं था कि सूरज जो है ना वो मगरिब का वक्त है, जिस तरह आज हमारे यहाँ 7 बजे मगरिब और अंधेरा हो गया, इसके बाद भाई 4 बजे का टाइम हो जाए। एक मैं दुनिया की मिसाल से भी आपको समझाऊं, आप किसी ऑफिस में बैठे हुए हो और एक शख्स आज और बोले यार कल तो कराची के अंदर जो है ना सूरज ग्रहण हुआ था, वो भी मुकम्मल, अरे शाम 4 बजे अंधेरा हो गया था, पूरा ऑफिस देख रहे हैं, अरे भाई हम भी कराची में रह रहे थे, कौन सा अंधेरा हुआ था। इसकी बात सुनते साथ ही पता चल जाएगा झूठ बोल रहा है, इसलिए कि जो खबर आप बयान कर रहे हैं सर जी, तो पूरे शहर में एक तूफान बरपा होना चाहिए था जो बात आप कर रहे हैं। इसी वजह से उलमा मौक़िक़ीन ने जिक्र किया कि झूठ बांधा था एक फजीलत हासिल करने के लिए बाज़ लोगों ने, कि हज़रत अली की नमाज चली गई सूरज वापस आ गया, हकीकत में ऐसा नहीं हुआ था। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। ज़ुबैर भाई उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात, जज़ाकल्लाह खैरा।